नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा में मनोहर खट्टर चुनाव जीतने के बाद फिर भी हार गए, आई है बड़ी खबर। तो हरियाणा में सर्विस वोटर बीजेपी से नाराज, बैलेट पेपर में खट्टर भी हारे, 6 सीटों पर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। नाराजगी की दो बड़ी वजह। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी का सामना बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करना पड़ा। 10 लोकसभा सीटों में सिर्फ 4 ही सीटों पर भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा सर्विस वोट मिले हैं। 6 सीटों पर सर्विस वोटरों की पहली पसंद कांग्रेस रही है। अंबाला, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक और सिरसा लोकसभा में सर्विस वोट यानी पोस्टल बैलेट से मतदान में भाजपा पिछड़ गई। पूर्व सीएम मनोहर लाल की करनाल और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को छोड़ दिया जाए तो भाजपा को जहां सर्विस वोट कम पड़े हैं उन सीटों पर भाजपा को हार मिली है। सबसे ज्यादा सर्विस वोट भाजपा को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर मिले हैं। हरियाणा में 1,11,143 सर्विस वोटर हैं। कांग्रेस की बात करें तो रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा में कुमारी सैलजा, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी, अंबाला में वरुण चौधरी, हिसार में जयप्रकाश और करनाल में दिव्यांशु बुद्धिराजा को सबसे ज्यादा सर्विस वोट मिले हैं। अंबाला से बंतो कटारिया, हिसार से रणजीत सिंह, करनाल से मनोहर लाल, सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली, रोहतक से अरविंद शर्मा, सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर को कम सर्विस वोट मिले हैं। भाई है बड़ी खबर। तो सरकार से इसलिए नाराज थे कर्मचारी, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पक्की भर्ती को लेकर के, ये हैं इसकी दो वजह, इसलिए यहाँ पर इन्हें सर्विस वोट कम मिले हैं। तो ये है पूरी जानकारी। लगातार अपडेट रहने के लिए